लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 37 में और ऑप्शन ट्रेडिंग के सेशन नंबर पाँच में दोस्तों आपका स्वागत है मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको और अनुपूणा जी को हेलो हेलो सर ऑल वेल यस सर सेम शर्ट है दोस्तों तो पिछला वीडियो भी हमने रिकॉर्ड अभी जस्ट किया था और ये वीडियो कुछ लोग अनुपूणा बोल रहे थे कि जब दो वीडियो एक साथ रिकॉर्ड करते हैं तो एक ही साथ डाल दिया कीजिए <laughs> तो उसका आंसर ये दोस्तों हर वीडियो में वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन होता है ट्रांसक्रिप्ट लिखा जाता है एक कार्य है आपको तो लग रहा है कि हम आराम से कर ले रहे हैं बट उसके बाद जो मेहनत है उस मेहनत में समय लगता है इसीलिए आप समय देंगे तो थोड़ा टाइम हमको मिल जाएगा तो हम भी उसको प्यार से रिकॉर्ड कर पाएंगे है ना जो अनुपूणा जी ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में अब आपको कम्फर्ट आ गया होगा हाँ सर थोड़ा बहुत और अगर आपको नहीं आया है तो प्लीज आप इलन ऑप्शन में जाइए ग्रीक्स में जाइए और यहाँ एक एक ग्रीक के ऊपर में जो अंग्रेजी में वीडियो है वो वीडियो भी देख डाली ओके ठीक है आई थिंक मोरलेस लेस यू विल भी कम्फर्टेबल बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो करने के बाद ही समझ में आती है जैसे स्विमिंग मैंने आपको स्विमिंग सिखा दिया ये एक ऐसे 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 होता है बट अगर आपने एक्चुअल में स्विमिंग जाके नहीं किया तो फिर कैसे सीखेंगे Right. तो यहाँ पर अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप प्लीज जाके स्विमिंग करना चालू करिए ओके okay, सर so. छोटा पैसा ही डालिए बट चालू करिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे एक छोटा सा बात बोल देता हूँ कि ईलन ऑप्शन के, तो <coughs> के अंदर में जब आप जाएंगे तो यहाँ वीडियो बेस्ड टूटोरियल है लेकिन आप ईलन के अंदर में जब ईलन स्कूल में जाएंगे ना तो यहाँ मॉड्यूल्स में जाइए यहाँ देखिए डेरिवेटिव के मॉड्यूल्स हैं और यहां आपको ऑप्शन के बहुत कुछ मिल जाएगा hmm. ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है ओके okay. यही बातें जो मैंने आपके साथ बताई hmm. ऐसा कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताया आपको नहीं। पर मैंने समझाया बहुत प्यार से hmm. तो यही बातें इंग्लिश में टेक्स बेस यहां पर लिखी हुई है अगर आपको डिटेल में इसके बारे में समझना है तो ओके okay. ओके okay. अब मिलेनियल है तो आप तो डेफिनेटली पढ़ने में भी बिलीव करती हैं Hmm. तो मेरे वीडियो के बाद में अगर आप ये देख लेंगे तो देखिए डेल्टा हिजिंग याद आया हाँ ऐसा कुछ मैंने कहा था yes. तो उसके बारे में बात यहाँ लिखी हुई है गामा क्या है मतलब गामा के बारे में भी यहां पर बात लिखी हुई है गामा रिलेशनशिप क्या है स्ट्राइक प्राइस और इसके साथ में तो एक बार आप इसके थ्रू भी बेसिक्स को वापस से रिवाइज कर लीजिए ठीक है तो चलिए स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करते हैं इनफैक्ट इसमें स्ट्रेटेजीज भी है मैंने अभी देखा इसमें ऑप्शन स्ट्रेटेजीज भी है अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी यहां पर है और सिखाई गई है बहुत अच्छी बात है वॉट इज स्ट्रैटेजी मतलब कभी भी लाइफ में कोई एक चीज परमानेंट नहीं है कि ये वर्क करेगी करेगी एक्सेप्ट मदर्स लव राइट बाकी सब इज वेरिएबल वेरी एंड स्ट्रैटेजी इज बेसिकली पॉम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेरिएबिलिटी राइट hmm. right. जैसे कई बार होता है ना कि इस बंदे के साथ डील करने में स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी hmm. उसमें आप इमोशंस के साथ में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं जो प्रोबेबल आउटपुट आएगा अल्टीमेटली राइट ऑप्शन से अच्छा गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है बिकॉज सेम स्ट्राइक प्राइस टूडे कैन गिव अ डिफरेंट ओरिएंटेशन देन टूमोरो बिकॉज ऑफ थीटा जस्ट वन स्ट्राइक प्राइस अवे right will have a different character right because of the distance between two strike price right you know any event hmm. which can happen or which can probable happen mm -hmm. can have an impact on the strike price premium hmm. right so maine aapko kal last mein example diya tha na ki uh, ki मेरे को लगा कि ये होने वाला है तो मेरा दिल धक धक ज्यादा करने लग गया तो मैंने आपको प्रीमियम बोल दिया पचपन नहीं होगा आप पैंसठ दीजिए मैडम राइट राइट तो देर इज सो मच ऑफ वेरिबिलिटी और आप इन वेरिएबिलिटीज को यूज करके राइट कॉम्बिटेशन कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे तो ऑप्शन में पैसे बना सकते हैं बट द क्वेश्चन इज राइट वॉट इज राइट वॉट इज राइट फॉर यू मे नॉट बी राइट फॉर मी दैट्स वाई इट्स मार्केट राइट दैट्स वाई यू प्रॉब्ली विल डू एक्जैक्टली द सेम थिंग एंड आई विल डू द सेम थिंग बट आई मे लूज मनी यू मे मेक मनी बिकॉज योर टेम्परामेंट में आस्क यू टू स्कर्ली माई टेम्पराजुरल एडवांटेज ऑफ मेकिंग मनी कैसे अगर मैं ऑप्शन नेट में सेल कर रखा हूँ विच इज बाय दामा अगर आप नेट में ऑप्शन सेल कर रखे मतलब आप गामा पॉजिटिव है सॉरी गामा नेगेटिव है इसका मतलब लास्ट तक रुकेंगे तो आप पैसा बनाएंगे अच्छा

बट <laughs> ये सब सुनने में अच्छा लगता है डायलॉग बट जब ट्रेड करने जाओगे तो जब वो रिस्क लोगे तो समझ आएगा कि रिस्क तो महंगा पड़ गया बट ये प्रॉबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी एज एन ऑप्शन सेलर इज हायर बिकॉज यू आर राइडिंग दाइट राइट आप गोवा yes. गए गए गोवा में वो सीवेज कितना प्यारा है ना <laughs> The watte waves, you feel like you talk to the wave, right? Hmm. But when you go inside the wave and when you are fighting with the wave to come back, hmm. it's so it really takes it out of you because you are fighting against the nature. Nature is pushing you, pushing you, but you are fighting against it. Right So, so option, selling is like that wave. If you flow with the wave rightly, knowing your risk, mm -hmm. because market is all about risk. एंड नोइंग तो अगर आप ऑप्शन सेलर बन के रिस्क को एसेस करके प्रॉपरली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी हायर बिकॉज नेचुर आपके पास पैसे आएंगे बट अगर आप बायर हैं और आप उस वेव के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो हमेशा हम लोग हम जब भी सपोज जाते हैं उस हम जाते ही है बीच में जाते हैं तो वेव में जाते ही है हम टाइमिंग करके जाते हैं कि कब वो पीछे जाएगा तब मैं आगे बढ़ूंगी Hmm. ऐसा तो ना वो भी इधर आ रहा है no. hmm. you know, right. जो काम आप गोवा का बीच में कर सकते हो वो पुरी वाला बीच में नहीं कर सकते हो. Hmm. वो पुरी का बीच इज सो सो मतलब पुरी का बीच इज अटॉक तो जो काम आप निफ्टी में कर सकते हो ऑप्शंस में वो काम आप बैंक निफ्टी ऑप्शंस में नहीं कर सकते हो ओके बिकॉज दोनों का इंटेंसिटी ऑफ दैट विल बी फार फार डिफरेंट राइट सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा गोवा जाना कि पूरी और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा मतलब आप स्टॉक्स में ऑप्शंस में काम करना चाह रहे हैं निफ्टी में करना चाह रहे हैं बैंक निफ्टी में करना चाह रहे हैं ओके गॉट इट अभी आप पांडिचेरी जाके आए हैं बाय द वे हां सर वहां का बीचेस कैसा है

तो वहां का स्ट्रैटेजी हमारा डिफरेंट होगा ऐसा थोड़ी ना कि जो स्ट्रैटेजी हम गोवा बीच में खरीदे हैं तो वही हम पौंडीचेरी में जाके करेंगे फिर तो गए अंदर <laughs> तो ऐसा ही मान लीजिए इसको तो स्ट्रैटेजी जब हम बना रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमको पैसा बनाना है हम लोग सब यहाँ पर एक ही काम के लिए आए हैं आपको जानक काम करने आए हैं क्या नहीं <laughs> कुछ लोग हैं जो पैसा खोने भी आए हैं तो शायद आपको पसंद नहीं आया कॉन्वर्जेशन बट लार्जली हम लोग सब कमाने आए हैं तो कमाने आए हैं तो अल्टीमेटली घर में पैसा बचना चाहिए तो अगर ऑप्शन सेलर हो तो प्रोबिलिटी ज्यादा है पैसा बनने का ऑप्शन बायर भी है तो पैसा बनाता ऐसा नहीं है सर मैं कैसे बोल सकता हूं कि ऑप्शन बायर बनाता नहीं है कम प्रोबिलिटी है ओके okay. तो जब हम strategy कर रहे हैं तो आप क्या बनना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आपके पास पैसे कितने हुँ. मेरे पास पैसा ही दस ही हजार रुपए है और मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं तो कैसे चलेगा right. अगर ऑप्शन सेलर बनना चाहते हैं मतलब आप अलाइस बनना चाह रहे हैं मतलब आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो भैया पॉकेट में पैसा होना चाहिए ना hmm. बिना पॉकेट में पैसा नहीं रिस्क कैसे ले सकते हो तुम राइट सो या और दूसरे से लोन लेके मार्केट में आए और रिस्क लिए तब तो फिर आप यू नो यू डिजर्व अ पवनवीर चक्र <laughs> वीरता का आपने एक एग्जांपल सेट कर दिया कि मैंने लोन लेके मार्केट में आया हूं और ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं सेलर बन गया हूं मैं तो मचा दूंगा ये वीरता पर्वर आपको मिलना चाहिए मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मुझे भी दे दीजिएगा अगर आप रह गए तो सॉरी आज नॉन कॉन्टेक्सुअल डिस्कशन ज्यादा हो गया बट दोस्तों लाइफ में ऐसे ही करना चाहिए और ऑप्शन जितना आप टफ सोचोगे ना उतना वो आपको अपनी तरफ खींच चलेगा इसके साथ फन करिए बिकॉज और इस इस वेबसाइट पे हमने लिखा भी यही है learn options the fun way let it be fun but you should know every fun also has a limit हर मस्ती का एक लिमिट होता है वहीं तक जाना चाहिए तो ऑप्शंस पे भी आपको पता होना चाहिए आपके लिमिट क्या है तो चलिए स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं सो लेट्स गो टू लर्न स्ट्रैटेजीज तो देखिए अलग अलग तरीके के स्ट्रैटेजीज हैं बेसिक फ्रेमवर्क मैंने यहाँ पर डाल रखा है बेसिक hmm. स्ट्रैटेजीज सिंथेटिक स्ट्रैटेजीज इंटरमीडिएट स्ट्रैटेजीज आर्बिट्रा स्ट्रैटेजीज कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजीज एडवांस स्ट्रैटेजी हाँ ये मतलब इट इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट बट इट इज पीपल फॉलो यू कैन क्रिएट यू रोल ऐसा कोई बात नहीं है तो बेसिक में लॉन्ग शॉर्ट बुल स्प्रेड बी स्प्रेड इसके बारे में बात करते हैं ठीक है लॉन्ग मतलब खरीदना खरीदना चाहे आप कॉल ले रहे हो या पुट ले रहे हो उसमें तो अपने को पता है भैया मेरा नुकसान तो लिमिटेड ही है और अगर भाव ऊपर चला गया तो बल्ले बल्ले सिमिलरली पुट के अंदर में मेरा नुकसान लिमिटेड है बट भाव नीचे गिर गया तो बल्ले बल्ले क्योंकि मैं बाहर हूं right, कैसा लगा ये ये कैसा लगा हमारा टूल so एकदम सिंपल सा बना रखा हमने तो आप इसके साथ खेलेंगे ना hmm. तो जितने दोस्त के साथ खेलेंगे उतना दोस्त और आपके साथ दोस्ती करेगा तो इसके साथ खेलिएगा इस टूल के साथ ही और अपने दोस्तों को भी बताइएगा क्योंकि ये फ्री में है तो खेलने के लिए बड़ा अच्छा है पुट का भी आ, अगर शॉर्ट करना है तो मैं बेचूंगा तो जो बेचता है उसका कमाई तो लिमिटेड है राइट right. नुकसान कुछ भी हो सकता है mm. तो अगर मैं कॉल बेचा तो कमाई इतना है गिर अगर भाव बढ़ गया तो मैं गया mm. और पुट के केस में कमाई तो इतना ही है और भाव अगर घट गया तो मैं गया ठीक right. है तो, तो बेसिक हो गया जी राइट right. अब चलते थोड़ा बुल स्प्रेड की तरफ चलते हैं बर्थ स्प्रेड क्या बोल रहा है कि मेरे को लगता है ना भाव बढ़ेगा बट उतना तक ही बढ़ेगा उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा आपको याद है अपन जब ऑप्शन चेन स्टडी कर रहे थे तो अपन लोगों ने देखा था कि किसका करे थे रिलायंस का करे थे ना रिलायंस चलिए देखिए रिलायंस में क्या हुआ चलिए भाई ऑप्शन चेन में आइए ऑप्शा को यूज करते हैं बड़े प्यारे लोग हैं ऑप्शा वाले रघु प्रशांत बड़े प्यारे लोग हैं अपन लोगों ने क्या देखा था कि अह इसका अपन को चाहिए ये ऑप्शन चेन है ना तो इसका ओपन इंटरेस्ट अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है 2100 का कॉल के अंदर में हाँ अभी आज के रेट में ये ओआई चेंज है ये ओआई है और ये वॉल्यूम है थोड़ा एनएसई से डिफरेंट है बट ठीक है तो ओआई सबसे ज्यादा कॉल में ओआई है 11500 पे इक्कीस सौ का स्ट्राइक हम लोग को जूम इन करना, करना पड़ेगा. वो है पांच हजार नब्बे इसके अंदर में क्योंकि कॉल के अंदर में सेलर्स है तो इक्कीस के ऊपर जाने की इसकी संभावना कम है कम है. ठीक है सपोज मैंने एक स्ट्रेटेजी बना लिया कि मैं इक्कीस पे कॉल को बेच देता हूं सपोज में ऑप्शन सेलर हूं नहीं बायर के रूप में बात करते हैं इक्कीस तो सौ का पुट मैं तो मैंने बाय कर लिया बट मुझे लग रहा है कि ये ना बीस हजार साठ के नीचे नहीं जाएगा मुझे लग रहा है सपोज एक रेंज है राइट तो इस रेंज के अंदर में स्टॉक रहेगा तो इक्कीस सौ कि नीचे अगर जाता है तो 2060 के नीचे नहीं जाएगा तो मैं क्या करूंगा मैं 2100 का पुट ले लूंगा और 2060 का पुट बेच दूंगा ओके okay. चलिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो ऑप्शन स्ट्रेटजी एक मिनट स्ट्रेटजी बिल्डर यहां पर है हम यहां भी कर सकते हैं इलेन ऑप्शंस में बट इलेन ऑप्शंस में थियोरिटिकल होगा ओके। okay. बट यहां पर एक्चुअल में उन्होंने प्रैक्टिकल कर दिया तो लेट्स सिलेक्ट रिलायंस ऑप्शंस। तो 26 अगस्त का मैं क्या बोल रहा हूं रिलायंस का इक्कीस सॉरी ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा या इक्कीस सौ का पुट हुँ. मैंने बाय किया एक लॉट तो एड पोजिशन ठीक है और 2080 का पुट एक ही लॉट 2060 मतलब का पुट एक ही लॉट में बेच रहा हूं, तो, इसको मैं कर देता हूं। तो मेरा ट्रेड क्या हो गया मैंने 28 अगस्त का एक्सपायरी का 2100 का पुट लिया है सत्ताईस रुपए में मुझे मिला है और मैंने एक लॉट 28 अगस्त का पुट को बेच दिया है चौदह रुपया पचास पैसा मेरे को मिला है मैंने, मैंने बेचा तो मेरे को मिला होगा और हाँ। इसमें मेरे को देना पड़ा है Right. तो ये स्ट्रैटेजी ने क्या किया आपका पे ऑफ को इस तरह से बना दिया okay. कि मैक्सिमम आपका आने को इतना ही है uh -huh. क्योंकि आपने ऊपर का बेच दिया है राइट right. तो उसके ऊपर अगर जाएगा उसके नीचे जाएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा uh -huh. और मैक्सिमम लगने को भी इतना ही है uh -huh. क्योंकि आपने ले लिया है राइट right. तो जो स्ट्रैटेजी नॉर्मल कॉल पुट बाइक के अंदर में ओपन एंडेड हो गया अगर आप स्प्रेड कर दिए एक लेके दूसरा बेच दिए तो आपने कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट और लॉस को कैप कर दिया है तो ये देखो कैप हो गया प्रॉफिट और लॉस ठीक है अब इसमें ग्रीक्स को देखते हैं कि क्या हुआ तो जब हमने ये बाई किया है तो उसका एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है 19.54 और जो हमने सेल किया है उसका एम्प्लॉयड वॉलोटिलिटी 19.61 पॉइंट अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए अनुपूर्णा जी कि सर दोनों का वॉलेटिलिटी अलग क्यों है अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का ये तो सेलर का डर बताते हैं ना करेक्ट हर स्ट्राइक प्राइस में सेलर को डर अलग है हाँ सर होगा ना क्योंकि चेंज इन प्राइस इट विल मैटर इट विल डिफर करेक्ट एवरी स्ट्राइक प्राइस एवरी सेलर थिंक्स वेरी यूनिकली फॉर एवरी स्ट्राइक प्राइस क्योंकि उसका डर Price पे अलग डर होगा लोअर स्ट्राइकिटी इज नॉट लीनियर इन आवर लाइफ एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ जर्नी इज नॉट लीनियर इसके जस्ट पहले वाला मोमेंट में हम कुछ और सोच रहे थे अभी हम कुछ और सोच रहे देर इज नो लीनियरिटी इन आवर थॉट प्रोसेस सो प्रोबिलिटी कर्व मतलब हर स्ट्राइक प्राइस का आईवी को इम्प्लाइडिलिटी को अगर हम जोड़ें तो वो एक स्माइल स्माइल स्म क्यों इसका मतलब एट द मनी पे आईवी इंप्लाइड आईवीडिटी लोएस्ट होती है जितना आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे जितना आप इन द मनी जाएंगे उतना वोलेटिनिटी बढ़ता है ओके okay. क्यों क्योंकि जो सेलर होता है mm -hmm. उसका एस्टिमेशन रहता है कि शायद mm -hmm. प्राइस वहां आ जाएगा तो वो हमेशा हाई प्रीमियम चार्ज करता है दूर के स्ट्राइक्स में okay. क्योंकि उसको अनसर्टेनिटी है दूर में पास वाले में तो सर्टेनिटी है कि एट द मनी हो गया है तो वहां सर्टेनिटी है तो वो अपने आप को प्लान कर पाता है बेटर बस जितना दूर जाओगे उतना बेचारा उसका घबराहट ज्यादा होता है तो उतना वो वाला हाई रखता है क्योंकि उतना ज्यादा वो हाई प्रीमियम चार्ज करता है ओके ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया अब मेरा ये एक पोजिशन बना है जिसमें मैंने ये दोनों स्ट्राइक प्राइस में काम किया है सो तो उस पोजिशन का ग्रीक क्या है So, इस स्ट्राइक प्राइस का अलग ग्रीक है इस स्ट्राइक प्राइस का अलग ग्रीक है सो so, फाइनली ग्रीक क्या है 14.22, so, 14.22 का मतलब क्या हुआ कि अगर है। इसका मतलब अगर दाम सौ रुपया बढ़ा, तो मेरा 14.22 प्रीमियम घट जाएगा मतलब मेरा नुकसान हो जाएगा तो मेरा डेल्टा लॉस है अगर बढ़ा तो थीटा हो गया 16.46 मतलब ये पोजीशन के हिसाब से डेली बेसिस पे मेरे को 16.46 का नुकसान होगा ओके okay. ओके। okay. क्योंकि मैंने नेट, नेट में प्रीमियम प्लस कर रखा हूँ राइट मतलब मेरा नेट में गामा प्लस है तो अब ये याद रखो अगर आपका नेट गामा पॉजिटिव है हाँ। तो थीटा के कारण आपका पैसा लगेगा क्योंकि आपने नेट में प्रीमियम प्लस कर रखा है ओके okay. इतना ही समझो गामा को एक बार ठीक है अगर गामा प्लस है इसका मतलब थीटा आपका नेगेटिव होगा हो हो। क्योंकि आपने प्रीमियम प्लस कर रखा है ठीक है तो आपने देखिए प्रीमियम तो प्लस कर ही रखा ना आपने जो लिया है हाँ। वो सत्ताइस में लिया और आपने जो बेचा है चौदह में लिया तो नेट में आपने प्रीमियम प्लस ही कर रखा ना तो गामा तो पॉजिटिव ही हो होगा और वेगा इस 36 इसका मतलब वालाटिलिटी जो कि अभी उन्नीस पॉइंट चौवन और उन्नीस पॉइंट इकसठ है

घर में आया हुआ है तो गामा माइनस हो अच्छा ओके जिसके कारण थीटा का इम्पेक्ट हमेशा प्रीमियम गामा के हिसाब से होता है रिवर्स होता है ओ। अगर गामा प्लस है तो थीटा का पैसा थी और अगर गामा माइनस है तो थीटा का पैसा आएगा ओके ओके क्या दोस्तों थोड़ी ऐसा लग रहा है कि मैं कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इससे सिंपल आपको ऑप्शन कोई नहीं समझा सकता है स्टैंप पेपर पे लिख के देता हूँ आप ये वीडियो को एक बार देखिए दो बार देखिए तीन बार देखिए ये टूल्स के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए आपको इतना समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट लेवल का आपका जो ऑप्शन जर्नी है वो इतना स्मूथ हो जाएगा कि यू विल एंजॉय ऑप्शन जर्नी एज अ ट्रेडर वेगा थर्टी सिक्स पॉइंट वन सिक्स का मतलब है अगर ऑप्शन एक परसेंट भरता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी राइट right. गामा पॉजिटिव गामा पॉजिटिव है कि मैंने नेट में ले रखा है तो थीटा का इंपैक्ट हमेशा नेगेटिव होगा और वॉलिटी का इंपैक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा तो गामा और वेगा का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, थीटा और गामा का है। kind of. okay, क्या है प्रॉबिलिटी तो बोलना आपका छत्तीस परसेंट चांस है कि आप प्रॉफिट बनाएंगे इस ट्रेड में वो प्रोबेबिलिटी निकालने का एक तरीका है वो उस पर नहीं जाते हैं। लेट दिस डेटा बी एज़ अ डेटा। मान लिया कि मेरा 36% चांस है कि मैं प्रॉफिट बनाऊंगी तो ये काम तुम करोगी नहीं सो Isme, hai, नहीं करेगी इसमें ब्रेक इवन पॉइंट है 0 से टू एट सेवन to 2087 हम्म बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है ठीक है इसमें टोटल प्रॉफिट आ रहा है 87 रुपीस का सर 2087 022087 तो इसका पे ऑफ चार्ट देखोगे नहीं तो इसका ब्रेक के पॉइंट होगा यहां से ये ये और ये ये इसका 2062 जीरो सिक्स टू टू जीरो एट सेवन और ये है इसका ये 2103 अगर इन दोनों के बीच में ये बंद हुआ और नहीं एक मिनट आप प्रॉफिट कब बनाएंगे जब इसका ब्रेक पॉइंट है रेंज है ये 20 ये जो प्राइस पॉइंट है ना इसी को क्या कैलकुलेट कर रहा है 2087 तो ये ब्रेक पॉइंट है जब इधर में आ जाएगा तब तो आपका प्रॉफिट होगा अच्छा और ये इसके नीचे रहे तो रहेगा तब आपको प्रॉफिट रहेगा इसीलिए वो जीरो टू टू जीरो एट सेवन बोल रहा है मतलब जीरो से टू जीरो तक समझी अगर इस रेंज में आ गया तो आपके प्रॉफिट है हम्म ठीक है एस्टिमेटेड मार्जिन रिक्वायरमेंट इस पे अपने बाद में कभी चर्चा करेंगे कि यह अठारह हर पांच का रिस्क प्रोफाइल अलग है क्योंकि जब आप एक लेके एक एक बेच रहे हैं लेके दो बेच रहे हैं एक लेके चार बेच रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली रिस्क को एडजस्ट कर रहे हैं बिकॉज डेल्टा अलग हो गया गामा अलग हो गया वेगा अलग हो गया तो वो जो रिस्क है उस रिस्क को एसेस करके मार्जिन का कैलकुलेशन होता है और अगर आपके कोई भी पोजीशन में उसको रिस्क नजर आएगा तो वो आपसे मार्जिन ले लेगा hmm. ज़्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा मार्जिन लेगा कम रिस्क होगा तो कम मार्जिन लेगा कि कैसे आप अपना ट्रेड को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं तो अलग अलग तरीके के स्ट्रेटेजी हो सकते हैं ये तो मैंने सिंपल आपको बुल स्प्रेड बताया ठीक है अगर आप इसमें और जाएंगे सो लेट्स गो बैक तो इसमें है बियर स्प्रेड मतलब आपको मंदी लग रहा मार्केट में तो आप क्या स्प्रेड बनाएंगे ओके okay. जैसे हमने रिलायंस पे बताया ना कि अगर आपको लग रहा है इक्कीस के नीचे जाएगा तो इक्कीस का ले लिए और 2060 का पुट बेच दिए तो वो क्या बियर स्प्रेड बियर स्प्रेड जो है वो आप कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं पुट के थ्रू भी कर सकते हैं तो इफ यू गो थ्रू ऑल दिस यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ तो सर एक और क्वेश्चन है जैसे उसमें हमने पुट को बाय किया और पुट को सेल किया सेम वे में हम लोग कॉल को बाय और सेल कर सकते हैं सो व्हाट इज कॉल स्प्रेड करते हैं राइट सर सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू मतलब हाउ डू आई स्ट्रेटजीज कि मुझे कॉल को बेच के खरीदना है कि पुट uh, को सो so, अगर आप नीचे का मंदी खेलना चाह रहे हैं तो पुट इज ऑलवेज प्रेफरबल क्योंकि आप जब कुछ लेके नीचे का बेच रहे हो तो आप प्रीमियम इन्वेस्ट कर hmm. right. देखोगे हाँ. तो हमने नेट में इन्वेस्ट किया है हाँ. ठीक है हाँ. But, suppose आप बोलते हैं कि सर मैं प्रीमियम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं प्रीमियम खाना चाहती हूँ मतलब ये थीटा को मैं प्लस करना चाहती राइट में अगर आपको मंदी खेलना है तो पुट में आप ये काम करके बंदी नहीं खेल सकते करेक्ट तो आपको कॉल में उल्टा करना पड़ेगा yes. क्या करना होगा इसको चेंज करते हैं एक बार लेट्स रिमूव रिमूव दिस दिस सो हाउ डू इसको क्लोज कर देते इसमें इसको डिलीट कर देते और इसको भी अब सेम मेरे को सपोज रिलायंस में बंदी खेलना है और कॉल यूज करना है तो मैं क्या करूंगा मैं ऊपर का कॉल बिकॉज अगर मुझे नीचे जाता हुआ लग रहा है प्राइस तो ऊपर का कॉल को मैं राइट कर सकता हूं ना। तो ऊपर का कॉल सपोज इक्कीस नहीं जाएगा तो मैं का कॉल को बेच देता हूं और अपना रिस्क अगर चला गया तो तो मेरे बहुत पैसे लग गए ओपन नहीं रखना चाहता हूं मेरे इसको हाँ। तो मैं इसके ऊपर का कॉल को ले लेता हूं तो सपोज बाईस सौ का कॉल को मैं बाय कर लेता हूं तो इसका मतलब मैंने क्रेडिट स्प्रेड कर लिया ओके मेरे को पुट से मंदी खेलना था तो मैं पुट लेके नीचे का पुट दिया अगर मेरे को कॉल के साथ में मंदी खेलना है तो मैं क्रेडिट स्प्रेड कर दिया मतलब कॉल बेच के ऊपर का कॉल ले लिया वो तो उल्टा काम कर लिया अच्छा तो इसमें क्या हुआ इसमें अब ग्रीक्स में देखते हैं क्या आया है? इसमें थीटा मेरा पॉजिटिव हो गया इसका मतलब मेरा घर पे पैसा आएगा गामा नेगेटिव हो गया इसका मतलब क्योंकि आपने नेट ऑप्शंस बेचा हुआ है तो इसलिए थीटा है और वेगा भी हो गया। इसका मतलब तो घर में पैसा लगेगा क्या करना चाहते हैं ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं ऑप्शन सेलर बनना चाहते हैं उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजाइज करेंगे और अगर आप इफ यू गो थ्रू ए दिस स्ट्रेटेजी वाला पूरा डॉक्यूमेंट uh, और ये सारे एक एक स्ट्रेटेजी को हमने एक्सप्लेन कर रखा है और आप देखो यहाँ दिखा रखा है कि क्या बोलने का मतलब क्या है और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर स्ट्रेटेजी के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि यह स्ट्रैटेजी बोलना क्या चाह रहा है ओके ठीक है सर बेसिक स्ट्रैटेजी सिंथेटिक स्ट्रैटेजी लाइक कवर कॉल कवर पोर्ट हम लोग सब और डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में बट अभी

जितना क्रिएटिविटी चाहते हो उतना पैसा में so, capital, अगर options, में अगर आपको काम करना है ना तो आई अच्छा क्योंकि बिना 5 लाख रुपए के ना कुछ बचेगा नहीं घर में आएगा नहीं और hmm. आपको एक्साइटमेंट नहीं हुआ इनफैक्ट hmm. okay. अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करने आ रहे हैं hmm. और सिग्निफिकेंट कुछ उसमें रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं hmm. तो 5 लाख इज मिनिमम पचास हजार वगैरह से ट्रेनिंग आप शुरू कर सकते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे नहीं उसके अंदर में। बट लाख रुपया का बेस कमिट करेंगे मार्केट से, तभी आपको मार्केट कुछ देगा ये तो मार्केट को क्या लगता हैलिटी है। मांगने तो आप जितना उसके साथ में फ्रेंडली होंगे जितना उसके साथ में

टारगेट करिए तो अब सब आपके पास आज नहीं है hmm. तो हाउ डू यू डू दिस देन स्टार्ट बिल्डिंग द कैपिटल देन प्रॉब्ली ऑप्शंस में नॉट बी द राइट थिंग टू डू और यू हैव टू रिलाय ऑन ऑप्शन बाइंग व्हिच इज द लो प्रोबेबिलिटी सक्सेस इवेंट सो यू टाइम योर ट्रेडिंग इन सच ए वे दैट यू मेक मनी वेन देर इज एन अपॉर्च्युनिटी इन ऑप्शन बाइंग विच इज नॉट एन इजी थिंग टू डू

तो जब आप ये बेसिक वाला कवर कर लेंगे तो फिर मैं आपको क्या बताऊंगा आप इधर में सब्जेक्ट में जाके डेरिवेटिव क्लिक करेंगे और नेम के अंदर में प्रॉब्ली से चेतन आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि चेतन भाई ने बहुत सारे ऑप्शंस पे वेबिनार्स बनाए हुए ये अभी नहीं देखेंगे हम लोग ये जब बेसिक हमारा ऑप्शंस क्लियर हो जाएगा तो फिर ये स्पेशलाइज लर्निंग की ये स्ट्रेटेजी को यूज करके क्या फायदा हो सकता है क्या नुकसान हो सकता है hmm. स्पेसिफिक तो लर्निंग तो, तो थोड़ा तो मंदिर में अगर आपको एडवांस पूजा करना है तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगाइड विच हेज पोटेंशियल टू मेक लॉड ऑफ पानी सो यूवियली पे स्मॉल फीस टू गेट दर्निंग ओके फीस पे करने का एक फायदा है, पता है? नहीं है घर से कुछ लगा नहीं तो उसको आदमी सीरियसली ले नहीं लेता है hmm. तो बेसिक नॉलेज फ्री इज फाइन बट एडवांस में थोड़ा पैसा देना चाहिए इसीलिए इंडियन मार्केट्स ने बहुत कॉस्ट इफेक्टिव फीस रखा हुआ है hmm. थोड़ा पैसा देने से क्या आपके अंदर में एक जीर रहेगी कि मैं उस पैसे को यूटिलाइज करूँ और उससे कमाई करके उस पैसे को रिकवर right, okay. है तो दोस्तों ये था एक और वीडियो स्ट्रेटजी uh, का बेसिक वीडियो था जहां पर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की इलन ऑप्शन और ऑप्श्रा आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडी कॉम्बिनेशन फ्रेशर्स हुआ जस्ट इन टू द मार्केट आप यूज करिए सीखिए और हड़बड़ी मत करिए ये प्रोसेस को थोड़ा स्लो जाने दीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑप्शंस के एडवांस स्ट्रेटजीज थोड़े डिस्कस करूंगा और धीरे धीरे आप उसमें अटैम्प मारी अगर आपके पास वो कैपिटल सपोर्ट है तो और उसके बाद में और देखते हैं और जर्नी करते हैं ऑप्शन में कोशिश करूँगा आपको ऑप्शन का एक ट्रेडर बना पाऊँ कैश मार्केट से ऑप्शन का जो जर्नी है ये आपका दे पाऊँ और फिर उसके बाद और भी वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे और आपको अच्छा ट्रेडर बनाएंगे तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आया तो और दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है धन्यवाद दोस्तों सी यू इन ने द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय